हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हरी गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल हरी 91 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से रोज़ वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। कोई भी बैलेंस नहीं लग रहा है, एक भी रुपया नहीं लग रहा है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो रोज़ ही की तरह आज एक और वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो वैकेंसी है ग्रामीण डाक सेवा। ग्रामीण डाक सेवा में बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकल करके सामने आ रही है। 44,000 लमसम वैकेंसी निकल करके सामने आ रही है और ये भर्ती जो है डायरेक्ट रूप से किया जाएगा, यानी सीधी भर्ती है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। कैसे अप्लाई करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या लगेगा, कितनी फ़ीस लगेगी फॉर्म की और कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, पूरी हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपने मोबाइल में ओपन करना है क्रोम। क्रोम में सबसे पहले ओपन करना है सरकारी रिजल्ट। इस तरह से ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ गया है सरकारीरिजल्ट.com पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको पेज दिखाई देगा। इस तरह से पेज दिखाई देने के बाद आपको आना है लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में। इसमें सबसे नीचे देख सकते हैं ये लिख कर के आ रहा है ऑनलाइन फॉर्म है। ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन फॉर्म 2024। इस पर आपको क्लिक करना है, यानी ये ग्रामीण डाक सेवा का जो फॉर्म है ये आप ऑनलाइन आवेदन इस तरह से कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन करना है फॉर्म तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन भी कर दूंगा आप सभी का। देख सकते हैं इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा GDS ये फॉर्म है। अप्लाई कब से कर सकते हैं, ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा GDS जिसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है GDS का ग्रामीण डाक सेवा। ये फॉर्म जो है 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 5 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं और 5 अगस्त तक फीस भी जमा कर सकते हैं। करेक्शन डेट 6 से 8 अगस्त के बीच में होगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जनरल OBC वालों की फ़ीस जो रहेगी 100 रुपये रहेगी। SC ST वालों की कोई भी फीस नहीं लगेगी। ऑल फीमेल कैटेगरी वालों को कोई भी पैसा नहीं देना होगा। बात करते हैं एज, तो एज आपका कितना होना चाहिए। 5/8/2024 तक आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी टोटल कितनी है। तो देख सकते हैं वैकेंसी तो बहुत ही बड़ी संख्या में है, 44,228 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए आपके पास, कक्षा 10 केवल आप अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लोकल लैंग्वेज यानी अगर यूपी के लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो यूपी के लोग, वैसे ये जो वैकेंसी निकली हुई है ऑल इंडिया वैकेंसी निकली हुई है, आप स्टेट वाइज फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में वैकेंसी कितनी है टोटल। हिंदी लैंग्वेज के लिए देख सकते हैं 4528 वैकेंसी है। उत्तराखंड वालों के लिए 1238 वैकेंसी है। बिहार के लिए 2558 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ के लिए 1338 है। दिल्ली के लिए 22 है। दिल्ली में सबसे कम वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस के लिए। राजस्थान में 2718 है। हरियाणा में 241 है। हिमाचल प्रदेश में 708 है। जम्मू कश्मीर में 442 है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश हो गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, इन सब क्षेत्रों में देख सकते हैं वैकेंसी की मात्रा, यानी जो वैकेंसी है वो काफ़ी संख्या में है। तो आप अगर यूपी से हैं तो यूपी से भर सकते हैं। अदरवाइज अगर अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट से भी भर सकते हैं।
अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। अगर पहली बार आप कर रहे हैं फॉर्म को अप्लाई तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अन्यथा आपको लॉगिन करना है। आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन, एप्लीकेंट नेम, ठीक है, जो आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट पे होगा, वही नाम अपना, वही नाम पिता का, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और इसमें देख सकते हैं कम्युनिटी, सेकेंडरी स्कूल पास्ट ईयर, पासिंग ईयर सेकेंडरी स्कूल, इंटर टेक्स्ट सोन बिलो देख सकते हैं, ये आपको फिलअप करना है। मैंने एक बार भर चुका हूँ फॉर्म को, दोबारा देखते हैं होता है कि नहीं होता है, मैं इंटर कर रहा हूँ, वैसे होगा नहीं, फिर भी आप सभी के जो भी डाउट हैं उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ, देखते हैं क्या बताता है, 9170-22-47-17। यहाँ पर ईमेल आईडी मैं इंटर कर रहा हूँ, दूसरा ईमेल आईडी मैं डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं वैलिड मोबाइल नंबर, एन OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन कोड आ चुका है यहाँ पर मोबाइल पर 22-64-4C, इंटर करता हूँ 22-64-4C, सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर वैलिडिट सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब बात करते हैं मेल, तो मेल वैलिड मेल पर क्लिक करते हैं, लिख करके आ गया है कि OTP आपके मेल पर सेंड कर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, मेल ओपन करेंगे, जो मेल आप इंटर करेंगे वही मेल आपको ओपन करना है, ठीक है, ऑलरेडी ये ओपन है, थोड़ा सा रिफ्रेश इसे करते हैं, ऊपर आ जाएगा वेरिफिकेशन कोड आपका है C54449, यहाँ पर इंटर करना C54449, सबमिट करता हूँ और ये ईमेल वैलिडिट सक्सेसफुल, यानी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका जो है सक्सेसफुल हो गया है, वैलिड सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम इसमें नाम अपना इंटर करेंगे, पिताजी का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे, इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से इंटर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप जो है वीडियो को देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी तरह से आगे वीडियो पाने के लिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बता रहा हूँ आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, उसके बाद फीस जमा करने होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा अदर स्टेट है तो अदर स्टेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल पास्ड सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश कर दिए, और पासिंग सेकेंडरी स्कूल ईयर सेकेंडरी, तो यहाँ पर आपका हाई स्कूल कब हुआ है यहाँ पर इंटर करना है, तो मेरा जो है 14 में हुआ था, 14 इंटर कर दिया है, ठीक है। इंटर द टेक्स्ट सोन बिलो, ये जो आपका टेक्स्ट है इसको यहाँ पर इंटर करना है, U4L4LY3 और उसके बाद सबमिट कर देना, क्या लिख करके आता है देखते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके करता हूँ, फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपके पास, ये देख सकते हैं, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ये आपको पहले कंप्लीट, उसके बाद सबमिट करेंगे तब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा।
आधार नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद डिसेबिलिटी डालनी है, लैंग्वेज डालना है, वेदर एम्प्लॉयड, फ़ोटो सिग्नेचर, तब आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। आधार नंबर मैं डाल दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्या है, आर यू ए पर्सन विद डिजेबिलिटी, नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल, लैंग्वेज स्टडी पूछ रहा, तो मैंने हिंदी में पढ़ा है, हिंदी डालूँगा, हिंदी अपनी मातृभाषा है इसलिए ज़्यादा प्रिफर कर रहा हूँ। वेदर एम्प्लॉयड क्या कर देना है, वेदर एम्प्लॉयड नो कर देना है। फ़ोटो अपलोड करने की बात अगर आती है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा फ़ोटो, यहाँ से कौन सा फ़ोटो आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ आप चेक कर लेंगे। यहाँ से फ़ोटो पर जाना है और यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करना है, कौन सा फ़ोटो आपको अपलोड करना है इस फॉर्म में, वो आपको फ़ोटो यहाँ पर मिल जाएगा। आप अपने गैलरी में अगर रखे हुए हैं अपनी फ़ोटो तो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, अन्यथा आपके पास फ़ोटो और मेल आईडी सब कुछ होना चाहिए तभी आगे होगा। मैंने ये वाला फ़ोटो अपलोड, फाइल साइज एक्सटेंडेड, यानी देख सकते हैं मैक्सिमम अलाउड फाइल साइज अपलोडिंग 50 KB, 50 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए फाइल, ठीक है। अब हम इसे चेक करते हैं ये कितने MB का है। बाद अपने गैलरी में जाना है, गैलरी में जाने के बाद एल्बम में जाना है और यहाँ पर कैमरे वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और आपकी फ़ोटो कहाँ पर है वो देखना है, ये आपके कितने MB या KB में है ये सब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे ओके, इस तरह से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोर के ऑप्शन पर जाएंगे, डिटेल के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं 806 KB का है ये, डायमेंशन देख सकते हैं ये टोटल आपका 806 KB का है और मुझे चाहिए 50 KB, तो कैसे इसे हम रिसाइज करेंगे। मैंने भी एक वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड कर दिया है, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लें वीडियो को जा करके, चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं कि फ़ोटो को कैसे रिसाइज करते हैं। फ़िलहाल मुझे करना है तो मैं कर ले रहा हूँ और दिखा भी दे रहा हूँ आप सभी लोगों को। इस पर जो है क्लिक करना है, यहाँ पर डालना है रिसाइज इमेज इन KB और ये π7 इमेज करके आएगा, यहाँ पर सेलेक्ट इमेज करेंगे, इमेज आपको जो है अपनी सेलेक्ट करनी होगी, कौन सी फ़ोटो लगाना चाहते हो आप फॉर्म में वो यहाँ पर मेंशन करना होगा, यानी अपलोड करना होगा। सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना, बैक हो गया था, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप लोग कोई भी फ़ोटो हो उसको ले सकते हैं, जैसे सपोज करिए ये फ़ोटो है, इसको रिसाइज कैसे करना है ये मैं दिखा दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हो गया, देख सकते हैं ये साइज, इसकी वर्चुअल साइज है 336 KB है, डायमेंशन देख सकते हैं विद और हाइट की, और इसकी साइज आप कितने में चाहते हैं वो ये रिसाइज करके दे देगा फिल्टर आपको। सपोज करो मुझे 50 KB का चाहिए तो यहाँ पर इंटर कर देंगे 50 KB और रिड्यूस साइज पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका जो है फ़ोटो रिसाइज हो जाएगा, 48 KB में आ गया, ये आपका जो है 300 KB में था फ़ोटो, अब आपका जो है 48 KG में आ चुका है। इसे आपको कहीं भेजना है या कुछ भी करना है तो आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपको अपने लैपटॉप या किसी भी जो है मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं या लैपटॉप को किसी ड्राइव में आप जो है सेव कर सकते हैं इसे। ये देखिए डाउनलोड होने के बाद ये फाइल मैनेजर में चला जाएगा। फ़िलहाल ये क्योंकि मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ
तो इस तरह से आपका जो है फ़ोटो रिसाइज हो जाएगा, इसी तरह से सिग्नेचर आप जो है रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज कर लेने के बाद आपको क्या करना है, बस प्रोसेस आपको आगे बढ़ा देना है। अब प्रोसेस कहाँ तक हुआ था ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है फिलहाल, ये देख सकते हैं। फ़िलहाल कोई बात नहीं है क्योंकि ये सर्वर डाउन था इसलिए बैक हो गया। अगर फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।